मध्य प्रदेश में इंदौर मात्र एक ऐसा शहर था जिसमें लगातार वैक्सीनेशन को लेकर लोग यहाँ पर महाअभियान में अपना यहाँ पर भागीदारी निभा रहे थे, और उसी के साथ एक सप्ताह का ये महाअभियान शुरू हुआ था, लेकिन इस महाअभियान को ब्रेक लग चुका है। आगामी दो दिनों तक यह जो महाअभियान है इसका सत्र पूरी तरीके से बंद रहेगा। इसकी सबसे बड़ी जो वजह बता रहे हैं उसमें यह है कि जो वैक्सीन यहाँ पर मिलना थी मध्य प्रदेश के सरकार की ओर से, वह वैक्सीन अभी फ़िलहाल इंदौर को नहीं मिल पाई है। हालांकि इस महाअभियान में ब्रेक लगने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि लोगों में जो वैक्सीनेशन को लेकर जो रुचि थी वो अब कहीं ना कहीं धीमी पड़ती नज़र आएगी, क्योंकि अगर लोग यहाँ पर बारिश के समय में लोग किसी न किसी तरीके से वैक्सीन लगवाने के लिए बाहर आ रहे थे, और उसी के साथ जिस प्रकार से दो दिनों का सत्र यहाँ पर स्थगित किया गया है उससे लोगों को काफ़ी निराशा भी हाथ लगी है। हालांकि जिस प्रकार से अभी हम बात करें पूरे इंदौर ज़िले की, तो 73% जनता इंदौर की और इंदौर ज़िले के आसपास के जो पूरे क्षेत्र हैं वहाँ की 73% जनता वैक्सीनेट हो चुकी है, प्रथम डोज उन लोगों को लग चुका है। हालांकि यह बताया जा रहा है कि आने वाली जो 1 जुलाई है उसमें विशेष अभियान शुरू होगा। 1 जुलाई को तकरीबन प्रथम और द्वितीय डोज के जितने 18+ से अधिक के जो लोग हैं उनको यहाँ पर वैक्सीनेशन लगाई जाएगी, और उसी के साथ बात करें 3 तारीख को, तो 3 तारीख को यहाँ पर एक विशेष सत्र लगाया जाएगा जिसमें कोवैक्सीन का यह पूरा सत्र रहेगा, और उसको सिर्फ सेकेंड डोज जिनका कोवैक्सीन का लगाने का है वही इसमें भाग ले पाएंगे और इसके अंदर वैक्सीनेट हो पाएंगे। लगातार देखा जा रहा है कि इंदौर में जिस प्रकार से वैक्सीन को लेकर उत्साह है, अगर इसी प्रकार से उत्साह बना रहा और वैक्सीन की कमी अगर इंदौर में नहीं हुई तो हम बहुत जल्द पूरा इंदौर जो है 100% वैक्सीनेट हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि धीरे धीरे इंदौर की जो गति है वह यहाँ पर इंदौर की गति को ब्रेक लगते जा रहा है, और इंदौर धीरे धीरे पिछड़ता भी जा रहा है, क्योंकि अगर आगामी 2 से 3 दिनों तक लगातार ये सत्र रहता तो हम तकरीबन 85% इंदौर में वैक्सीनेट हो सकते थे, लेकिन लगातार अभी फ़िलहाल में वैक्सीन की कमी देखी जा रही है, और अगर यहाँ पर आने वाले समय में इसी प्रकार से अगर वैक्सीन की कमी रहेगी तो इंदौर का जो टारगेट है वो इंदौर पूरा नहीं कर पाएगा। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।